नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 30 नवंबर की सुबह 10 बजे से जी दोस्तों यह समय से भगवान महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से घरों की कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है। घरों में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिनके कारण कुछ शुभयों का और शुभ परिस्थिति का निर्माण होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐश में मंगलवार का दिन होगा और ऐश में मंगलवार के दिन में महाबली हनुमान जी की कृपा आपके जीवन काल पर होगी और बड़े चमत्कार आपके जीवन काल पर होने वाले हैं। जय दोस्तों, ऐश में जो घरों की शुभ स्थिति होगी आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण स्थितियां लाने वाली है, इस वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में भी सुधार होने वाले हैं, आपके पारिवारिक जीवन में भी यथासंभव परिवर्तन होने वाले हैं जिनसे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। करियर के क्षेत्र में भी बड़े लाभ आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि शुभ परिस्थिति का निर्माण आपके करियर के क्षेत्र में भी पड़ने वाले हैं। यूं कहते दोस्तों करियर के क्षेत्र में भी यश में आपको वृद्धि मिलने वाली है। जय दोस्तों, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से जो घरों की स्थिति बनने वाली है आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ लाभकारी होने वाले हैं और थोड़ी सी सावधानियां भी आपको रखनी होंगे। तो दोस्तों ऐसे में कुल मिलाकर वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जय दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश मंत्राल में आपको किन चित्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन चित्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय हनुमान लिखेगा, गुरु जी का और महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इसमें आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे, सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी इसमें होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी यह समय कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर यह समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी, जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे, परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यह समय संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा, धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों काम काज व फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा, विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे।
इसको बना दोस्तों यशोमय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यशोमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यशोमय आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी यशोमय आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके बाद दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यशोमय आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों यशोमय खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यशोमय प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में यशोमय आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यशोमय आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे, धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के प्रति आपके ठोस निर्णय सकारात्मक रहेंगे। यशोमय कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार भी कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि भी यशोमय आप हासिल करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की यशोमय आवश्यकता होगी, तो दोस्तों अपने कार्यों पर जो अपने ध्यान को यशोमय जरूर केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि कामकाज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यशोमय पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यशोमय रुके हुए पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यशोमय गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी यशोमय मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यशोमय पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के चलते घर में किसी प्रकार की कड़वाहट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हो सके तो यशोमय प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पति पत्नी तथा घर के सदस्य भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की नकारात्मक बातों की दूरियां आ सकती है, तो दोस्तों इन सभी यश ये जो समय है आपके लिए प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। और इसके बाद दोस्तों यशोमय अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी यशोमय रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी यशोमय मिल रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान सकारात्मक वातावरण की वजह से आप लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशोमय बेहतर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु डायबिटीज लोग अपनी नियमित जाँच अवश्य करवा लें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।